Today we are going to discuss the chemical reactions of alkanes. So alkanes, आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि saturated hydrocarbons हैं, strong sigma bonds हैं. तो strong bonds का मतलब है कि उनका टूटना इतना आसान नहीं होता. और उसके लिए काफी ज़्यादा energy चाहिए होती है to make them react. जो carbon hydrogen हैं, उनके दरमियान electronegativity बहुत कम होती है. Difference जो है. तो इसी वजह से जो अल्केन्स हैं ये पोलर नहीं होती, दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और यही वजह है कि दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एनी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल. अब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आप लोग जानते होंगे, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस लविंग, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. इलेक्ट्रोफाइल इसका ऑपोजिट होता है. सो anything that has a positive charge, yeah, if it is electron deficient, तो वो electron loving होगा जाहिर है. तो alkanes चूंकि non-polar हैं, तो इनका nucleophile या electrophile दोनों की तरफ जो affinity है वो बहुत कम होगी. So least reactive हैं towards any of these reagents. और इसी low reactivity की वजह से इनको paraffins भी बोलते हैं. तो ये नाम भी शायद आपने सुना हो FSC में, के अल्केन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं, जिसका मतलब है लो एफिनिटी. और लो एफिनिटी का मतलब है कि रिएक्टिविटी इनकी बहुत कम है बिकॉज ऑफ देयर नॉन पोलर नेचर. लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्केन्स के रिएक्शंस नहीं होते. तो एक रिएक्शन जो बहुत कॉमन आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए आप पढ़ते हैं, दैट इज कम्बस्शन. कम्बस्शन का मतलब है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर आप अल्केन्स की बर्निंग करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा. ठीक है, तो ये तो कॉमन रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे. लेकिन इसके अलावा एक रिएक्शन है जो कि अल्केन्स अंडरगो करते हैं, दैट इज हैलोजिनेशन. अब हैलोजिनेशन कैसे होती है और क्यों होती है, किन कंडीशंस में होती है, ये हम आज डिस्कस करेंगे. द प्रोसेस और द रिएक्शन इज एक्चुअली द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ हाइड्रोजन. इस रिएक्शन में क्या होता है कि एडिशन तो आप कर नहीं सकते अल्केन्स पे, तो हम सब्स्टिट्यूशन ही कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन किस चीज का करेंगे, कार्बन का आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते. एक तो कार्बन बीच में होता है, मतलब उसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन अटैच होते हैं या दूसरे कार्बन होते हैं, तो अगर आप कार्बन निकालेंगे तो फिर तो अल्केन की चेन ही कम हो जाएगी, तो आप हाइड्रोजन ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो हैलोजिनेशन इज एक्चुअली द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय अ हैलोजन. तो हाइड्रोजन निकाल के आप हैलोजन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये एडिशन नहीं है, इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और एंड में जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी, दैट विल बी एन अल्काइल हैलाइड, क्योंकि आपने हैलोजन इंट्रोड्यूस कर दिया इनटू द कार्बन चेन, तो जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी अल्काइल हैलाइड, और इस प्रोसेस को हम हैलोजिनेशन कहते हैं. अब जैसे मैंने कहा कि अल्केन्स जो है ये हाईली अनरिएक्टिव हैं, लीस्ट रिएक्टिव हैं, और जो इनके बॉन्ड्स हैं सिग्मा बॉन्ड्स वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इनको रिएक्ट कराने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. वो एनर्जी कहाँ से आएगी, या तो लाइट से आएगी या फिर हाई टेम्परेचर से आएगी. तो यूजुअली जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, इवन हाई टेम्परेचर पे भी रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है. और दूसरी वजह ये है रेडिकल मैकेनिज्म की के ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब आपके पास पोल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स होते हैं या पोल्स होते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एक इलेक्ट्रॉन रिच एटम होता है मॉलिक्यूल के अंदर, तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं, तो उसमें जो बॉन्ड क्लीवेज है, क्लीवेज का मतलब है बॉन्ड ब्रेकिंग, वो अनइवन होती है. अनइवन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे शिफ्ट हो सकते हैं, और किस साइड पे शिफ्ट होंगे, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज हेट्रोलिटिक क्लीवेज. लेकिन चूंकि एक तो नॉन पोलरिटी है यहाँ पर, मॉलिक्यूल पोलर नहीं है, दूसरे कंडीशंस हम ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट विल फॉलो रेडिकल मैकेनिज्म. अब ये एक जनरल रिएक्शन है. इफ यू हैव अ मीथेन मॉलिक्यूल,
और उसको आप रिएक्ट कराएं विद हैलोजन लाइक इन दिस केस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट. ये जो डेल्टा का साइन आपको नजर आ रहा है दिस शोज टेम्परेचर. तो जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन भी कहते हैं या मेथिल क्लोराइड भी कहते हैं, और एक और बाय प्रोडक्ट बनेगी HCl. अब अगर आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को देखें तो एक क्लोरीन अटैच हो गया कार्बन के साथ. और कैसे अटैच हुआ कि इसने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है. इसमें चार हाइड्रोजन थे, इसमें तीन हाइड्रोजन है. एक हाइड्रोजन निकला है तो क्लोरीन इंट्रोड्यूस हुआ है. और जो एक हाइड्रोजन निकला है वो इस क्लोरीन के, क्लोरीन मॉलिक्यूल के दूसरे जो क्लोरीन एटम था उसके साथ मिलकर उसने HCl बनाया है. हायर अल्केन्स जो है वो भी कर सकते हैं. सो इफ यू हैव इथेन, तो इथेन अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे, वी हैव लाइट और हाई टेम्परेचर, तो उस पे क्लोरीन अगेन सब्स्टिट्यूट करेगा एक हाइड्रोजन को, एथल क्लोराइड बनेगा और HCl बनेगा. तो ये जनरल रिएक्शंस हैं. अब इनके मैकेनिज्म डिस्कस कर. मैकेनिज्म जो है ये आपको नजर आ रही होगी. तो आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है जैसे भी हमने देखा, तो ClCl सिग्मा बॉन्ड है. अब मैंने कहा कि फोटोकेमिकल और जो थर्मल एनर्जी है इसकी प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज होती है. अच्छा, क्लीवेज मैंने आपको जैसे कहा कि दो तरह की होती है, एक होमोलिटिक होती है और एक को हम हेट्रोलिटिक कहते हैं. होमोलिटिक का मतलब है इवन क्लीवेज. इवन का मतलब है कि इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होता है, इसको हम होमोलिटिक. एक जैसी लिटिक, लिटिक का मतलब है ब्रेकडाउन. तो ये एक जैसी ब्रेकडाउन होती है, दो इलेक्ट्रॉन हैं आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके ये क्लीवेज होती है. हेट्रोलिटिक का मतलब होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएं, तो उसको हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहते हैं, क्योंकि एक को दो मिल रहे हैं और एक को नहीं मिल रहा. सो हमारे पास क्या बनता है, दो क्लोरीन रेडिकल्स बनते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पे लोन पेयर्स भी शो किए गए हैं. तो हैलोजन्स आपको पता है कि उसमें तीन लोन पेयर्स होते हैं, छह इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, छह इलेक्ट्रॉन यहाँ नजर आ रहे हैं, और यहाँ अगर आप देखें तो सात इलेक्ट्रॉन्स हैं. और ये अगर आपको याद हो तो हम जब फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने ये पॉइंट आपको बताया था कि OH पे जो इलेक्ट्रॉन्स हमने शो किए थे उसमें एक ज्यादा था, तो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया था. अगर आपको याद हो मैंने आपको कहा था कि इट इज हेयर बिकॉज ऑफ सम केमिकल रिएक्शन. तो अब ये वो केमिकल रिएक्शन है. हम नॉर्मली देखते हैं क्लोरीन पे छह इलेक्ट्रॉन्स हम लगाते हैं एज लोन पेयर्स, तीन लोन पेयर्स होते हैं, लेकिन यहाँ सात लगाए हैं. तो अगर ये रिएक्शन ना लिखा हुआ हो और आपको कोई ये क्लोरीन बना के दे उस पर ये इलेक्ट्रॉन भी हो, जिसका मतलब है कि ये एक रेडिकल है और ये किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से बना है. अच्छा, रेडिकल मैकेनिज्म जो होता है उसमें तीन स्टेप्स होते हैं. एक को हम इनिशिएशन स्टेप कहते हैं, फिर एक प्रोपेगेशन स्टेप होता है, और फिर एक टर्मिनेशन स्टेप होता है. इनिशिएशन स्टेप का मतलब है कि जब रेडिकल इनिशिएट होते हैं, और ये एक रेडिकल चेन मैकेनिज्म होता है. जब तक सिस्टम में रेडिकल्स मौजूद होंगे तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होता रहेगा. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ चेन रिएक्शन. लेकिन जैसे ही रेडिकल्स खत्म हो जाएं तो रिएक्शन स्टॉप होगा. तो रिएक्शन को आप स्टॉप कब कर सकते हैं, इस केस में जब रेडिकल सिस्टम से खत्म हो जाए. तो इनिशिएशन स्टेप का मतलब है इनिशिएशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल. तो इस स्टेप में रेडिकल फॉर्मेशन होती है. फिर है प्रोपेगेशन स्टेप्स. तो ये स्टेप्स एक से ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक रेडिकल बनता है वो दूसरे के मॉलिक्यूल के साथ या रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है, फिर एक और रेडिकल बनता है, फिर वो किसी और के साथ रिएक्ट करता है, और इसी तरह से ये एक चेन चलती रहती है. इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रोपेगेशन स्टेप्स, एक से ज्यादा होते हैं. फाइनली हमारे पास होता है टर्मिनेशन. टर्मिनेशन स्टेप का मतलब है कि यहाँ पर रेडिकल्स खत्म हो जाए और ये जो चेन है रिएक्शंस का ये भी खत्म हो जाए. तो द चेन इज टर्मिनेटेड हेयर. अब ये कैसे होता है, इनिशिएशन में जाहिर रेडिकल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी. रेडिकल फॉर्मेशन कब स्टार्ट होगी, जब आपके पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जैसे ये है, और उसको आप हाई टेम्परेचर या लाइट एनर्जी आप इसको प्रोवाइड करें, फोटोकेमिकली या थर्मली ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे होमोलिटिक क्लीवेज. और आप अगर एरोस देखें ये फिश हुक है. मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब आप एरोस ड्रॉ करते हैं, इफ यू आर शोइंग द ट्रांसफर ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो आप फिश हुक ड्रॉ करते हैं,
डबल हेडेड या सॉरी फुल हेडेड एरो जो है वो आप ड्रॉ नहीं कर दें। तो हमारे पास क्लोरीन रेडिकल बन गया। अब रेडिकल हो, कैटायन हो, एनायन हो, ये तीनों रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं, हाईली अनस्टेबल। तो आपके पास कैटायन बने, एनायन बने हेट्रोलिटिक क्लीवेज की वजह से, या आपके पास रेडिकल बने, ये अनस्टेबल सिचुएशंस हैं या अनस्टेबल स्पीशीज हैं। ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो जब रिएक्टिव होए तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करना चाहे। तो सिस्टम में आपको पता है कि क्लोरीन के अलावा क्या था, अल्केन था। तो ये रेडिकल अब अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए किसी और चीज से रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसको अल्केन ही अवेलेबल है। तो क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो अगर आप देखें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, ये अनपेयर्ड है, इसको पार्टनर चाहिए और इसको पार्टनर एक चाहिए। तो ये यहाँ देखेगा कि कोई रेडिकल है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर है तो उसके साथ पेयर अप हो जाएगा। लेकिन मीथेन में तो आपको कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा, देयर आर नो रेडिकल्स इन मीथेन, इसका मतलब है ये कोई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही लेके उसके साथ पेयर अप होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस सी एच बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन के साथ इट विल पेयर अप टू फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड हियर यू कैन सी द बॉन्ड बिटवीन एच एंड सीएल। सो वी हैव कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हियर, एंड इसकी जो क्लीवेज है वो भी होमोलिटिक क्लीवेज है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चूंकि अवेलेबल है तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इस सी एच बॉन्ड का, वो इसके साथ पेयर अप हो जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो नाउ व्हाट यू सी इज के ये रेडिकल चूंकि हाईली अनस्टेबल था, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो एच सी एल बन गया, और दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होके इसने मेथिल रेडिकल जनरेट कर दिया। तो एक रेडिकल जो कि अनस्टेबल था उसने अपना पार्टनर तो ढूंढ लिया, इट हैज पेयर्ड अप, लेकिन एज अ रिजल्ट एक और मेथिल रेडिकल या एक और रेडिकल जनरेट हुआ। तो प्रोपिगेशन स्टेप्स इसीलिए एक से ज्यादा होते हैं कि जब कोई रेडिकल स्पीशी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एक रेडिकल बनेगा। और इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे आप देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस जो हैं वो सेम है। तो अब हमारे पास एक मेथिल रेडिकल जनरेट हुआ। अब ये भी हाईली अनस्टेबल है क्योंकि ये भी रेडिकल है, इसपे भी कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि हाईली रिएक्टिव है, तो इसको भी पार्टनर चाहिए, और इसको पार्टनर कहाँ से मिलेगा, एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल को ये होमोलिटिकली क्लीव करके इनिशिएट कर सकता है एक और रेडिकल फॉर्मेशन। तो ये मेथिल रेडिकल अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, और क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड चूंकि नॉन पोलर है तो इसमें होमोलिटिक क्लीवेज आसान भी होती है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आके पेयर अप होगा तो सी एच थ्री सी एल बनेगा, और इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होके एक और क्लोरीन रेडिकल जनरेट करेगा। तो अब हमारे पास सिस्टम में मेथिल रेडिकल्स भी बन रहे हैं और क्लोरीन रेडिकल्स भी बन रहे हैं। HCl इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल, और मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन इज आल्सो अ स्टेबल मॉलिक्यूल, ये भी अनरिएक्टिव है इस केस में, और HCl भी काफी स्टेबल है। जो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज हैं वो ये दोनों हैं। तो इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, या तो ये रेडिकल जो है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये बनाए, या ये रेडिकल जो है ये अपने ही एक और मेथिल रेडिकल के साथ रिएक्ट करके इथेन बना दे। ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कि ये रेडिकल मेथिल रेडिकल, क्योंकि एक मेथिल तो नहीं बन रहा ना, एक मेथिल रेडिकल बहुत ज्यादा बनेंगे सिस्टम में, तो बहुत ज्यादा है, तो एक और मेथिल रेडिकल के साथ भी कोलिजन कर सकता है। तो जब ये किसी और मेथिल रेडिकल के साथ कोलाइड करेंगे तो इथेन बना देंगे, या ये किसी और जो यहाँ पर क्लोरीन रेडिकल बना है उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो मेथिल क्लोराइड बनाएंगे, या ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये किसी और क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट करे तो या कोलाइड करे तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाए। अब इन तीनों रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट्स हैं अगर आप देखें तो वो रेडिकल्स नहीं है, वो स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, और इसका मतलब है कि जितने भी रेडिकल्स थे वो खत्म हो गए, सिस्टम से निकल गए हैं, तो टर्मिनेशन हो गई है। एक तो जो रेडिकल्स हैं वो खत्म हो गए हैं, और रेडिकल खत्म हो गए तो जो चेन बन रही थी वो टर्मिनेट हो गई है, तो अब रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, ये तो हमने मेथिल
सॉरी मीथेन का रिएक्शन देखा और उसका मैकेनिज्म देखा, इथेन के साथ भी आप कर सकते हैं, प्रोपेन के साथ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन हो। अभी जो हमने मैकेनिज्म देखा उसमें एक हैलोजन सब्स्टिट्यूट हुआ, जैसे मीथेन था तो क्लोरोमीथेन बना, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसके साथ एक और क्लोरीन भी ऐड हो जाए, मतलब एक और हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन थे ना, एक सब्स्टिट्यूट हुआ, तो चारों नहीं हो सकते, CCl4 नहीं बन सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो मोनोहेलोजिनेशन भी पॉसिबल है और डायहेलोजिनेशन भी पॉसिबल है। डायहेलोजिनेशन का मतलब है एक से ज्यादा हेलोजन जब सब्स्टिट्यूट हो जाए किसी कार्बन पे या अल्केन में, तो उसको हम डायहेलोजिनेशन, तीन हो जाए तो ट्राईहेलोजिनेशन, चार हो जाए तो टेट्राहेलोजिनेशन, एंड सो ऑन। अब ये किन कंडीशंस में होगी? हम जो कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं नॉर्मली, तो वो फोटोकेमिकल हैं या थर्मल हैं। तो इनमें से मोनोहेलोजिनेशन कब होगी और डायहेलोजिनेशन कब होगी? तो मोनोहेलोजिनेशन अगर आपको रिक्वायर्ड है, अगर आपको मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए जो जरूरी कंडीशन है, बाकी रिएक्शन कंडीशंस तो वही होंगी, लेकिन आपने करना क्या है कि जो अल्केन है आपका वो आप एक्सेस में यूज करें। एक्सेस का मतलब क्या है कि अभी आपने देखा यहाँ पर, जैसे ये रिएक्शन है कि एक अल्केन एक हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बना रहा है। सेम इज द केस हियर, 1:1 रेशो से बना रहे हैं। तो अगर आप 1:1 रेशो में ये दोनों ले लें तो आपके पास ऑब्वियसली यही प्रोडक्ट्स बनेंगे। लेकिन अगर आप अल्केन ज्यादा क्वांटिटी में ले लें और हैलोजन जो है वो कम क्वांटिटी में, तो इसका मतलब है कि आप जो अल्केन है वो आपने एक्सेस में लिया है, मतलब जो अल्केन है उसके मॉलिक्यूल ज्यादा हैं और हैलोजन के मॉलिक्यूल कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैलोजन जो है उसको ज्यादा चांस नहीं मिलेगा टू फॉर्म अ डायहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। क्यों? लॉजिकल है ना कि अल्केन के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं और हैलोजन के कम है, तो जितने हैलोजन्स हैं वो तो अल्केन के साथ रिएक्ट करेंगे, अल्केन के साथ रिएक्ट करके मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स बना देंगे। एक्सेस में क्या बचा? अनरिएक्टेड अल्केन्स बचेंगे, क्योंकि हैलोजन तो खत्म हो गए और जो हैलोजन मौजूद हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स बनाए एज कम्पेयर टू दैट ऑफ डायहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। मतलब अगर कुछ हैलोजन्स हैं भी और अल्केन भी काफी सारे मौजूद हैं, तो बजाय इसके कि ये अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके दूसरा हैलोजन ऐड कर दे, ये किसी अल्केन के साथ रिएक्ट करके मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर आपके पास 10 फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स हैं अल्केन के और 5 मॉलिक्यूल्स हैं हैलोजन के, तो वो जो 5 मॉलिक्यूल हैं हैलोजन के वो 5 अल्केन के साथ 5 अल्काइल हैलाइड बना देंगे। बाकी क्या बचे? 5 अल्केन्स बचे, 5 अल्केन के मॉलिक्यूल्स बचे अनरिएक्टेड। तो इसका मतलब है वो एक्सेस में थे और ये 5 बने हैं ये मोनोहेलोजिनेटेड ही होंगे। लेकिन अगर आपका हैलोजन एक्सेस में है, मतलब 10 हैलोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और अल्केन के मॉलिक्यूल 5 हैं, तो 5 हैलोजन्स 5 अल्केन के साथ मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अल्केन्स खत्म हो गए, सारे अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो गए, आपके पास 5 हैलोजन्स अभी भी बचे हैं, वो हैलोजेंस उन 5 अल्काइल हैलाइड के साथ फिर से रिएक्ट करके डायहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्केन और हैलोजन इन द सिस्टम। ठीक है, तो मोनोहेलोजिनेशन ज्यादातर वहां होगी जब अल्केन एक्सेस में होगा, और डायहेलोजिनेटेड कब बनेगा? जब जाहिर है एक हैलोजन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्काइल हैलाइड बनाए और फिर एक और हैलोजन रेडिकल उस अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके एक और हैलोजन, जैसे CH3Cl बनाए तो उस CH3Cl के साथ एक और Cl रेडिकल रिएक्ट करके CH2Cl2 बना दे। तो अगर ये हैलोजन रेडिकल अल्केन की बजाय अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करे, तो ये हैलोजन रेडिकल अल्काइल हैलाइड के साथ क्यों रिएक्ट करेगा? जब हैलोजन नहीं, जब अल्केन नहीं होगा ना, अगर अल्केन एक्सेस में मौजूद है तो ये रेडिकल अल्केन के साथ रिएक्ट करके यही बनाएगा। लेकिन अगर अल्केन एक्सेस में नहीं है तो फिर ये अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके डायहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा। तो मोनोहेलोजिनेशन के लिए जरूरी है कि आपका अल्केन एक्सेस में हो। तो चूंकि ये रेडिकल है, ये जब रिएक्ट करेगा तो एक और रेडिकल जनरेट होगा, प्रोपेगेशन स्टेप है ना, तो ये एच
रेडिकल लेके HCl बनाएगा और CH2Cl रेडिकल बनेगा. ये CH2Cl रेडिकल फिर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके CH2Cl2 बनाएगा और क्लोरीन रेडिकल जनरेट होगा. ये क्लोरीन रेडिकल फिर एक और CH3Cl के साथ रिएक्ट करेगा एंड द सिस्टम गोस ऑन, या फिर ये किसी और क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट करके टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे भी हमने मैकेनिज्म में देखा. तो मोनोहैलोजिनेशन भी पॉसिबल है, डायहैलोजिनेशन भी पॉसिबल है, या पॉलीहैलोजिनेशन भी पॉसिबल है. एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्केन्स वर्सेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हैलोजन. एक और पॉइंट जो कि हैलोजिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेशियो सेलेक्टिविटी. इसको हम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. ये दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन जो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ये रेशियो सेलेक्टिविटी है या प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है. दोनों को देखते हैं कि मतलब क्या है. रेशियो इज फ्रॉम रीजन और सेलेक्टिविटी का मतलब है सिलेक्शन. इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें कि फॉर एग्जाम्पल आप 10 बंदे हैं, 10 फ्रेंड्स हैं, राइट, और उनको ऑप्शन दिया जाए कि आप पेशावर जाएं या सवात जाएं. तो या तो 10 के 10 जो हैं वो सवात चले जाएं, उन्होंने सिलेक्शन किस चीज़ की सवात की, या 10 के 10 जो हैं वो पेशावर चले जाएं, वो सब ने सिलेक्शन पेशावर की, या फिर ऐसा है कि 7 लोग जो हैं वो सवात चले जाएं और 3 लोग पेशावर चले जाएं, या 7 लोग पेशावर आ जाएं, 3 लोग जो हैं वो सवात चले जाएं. तो ये सिलेक्शन है, रीजन की सिलेक्शन है. किसी ने सवात सेलेक्ट किया, किसी ने पेशावर सेलेक्ट किया, या सब ने पेशावर या सब ने सवात सेलेक्ट किया. तो सिलेक्टिविटी मुख्तलिफ हो सकती है रीजन के लिहाज से. अब यहाँ तो ना सवात है ना पेशावर है, तो इसमें रीजन कहाँ से आ गया. रीजन का मतलब है यहाँ पर द साइट, द पोजिशन, द रीजन ऑफ रिएक्शन इन द मॉलिक्यूल. रेशियो सेलेक्टिविटी का मतलब है कि जो हैलोजन है, रेडिकल है, वो या अल्केन में जो रेडिकल बन रहा है या जो अल्काइल हैलाइड बन रहा है, उसका रिएक्शन मॉलिक्यूल में किस पोजीशन पे हो रहा है, किस साइट पे हो रहा है, किस रीजन में हो रहा है, तो ये सिलेक्टिविटी है. अगर सिलेक्शन कर सकते हैं आप, जैसे मैंने कहा कि 10 बंदे हैं, तो अगर वो सिलेक्शन कर सकते हैं कि भाई सवाद अच्छी जगह है तो सवाद चले जाते हैं, बाकी 2 लोग या 3 लोग कहते हैं कि नहीं पेशावर अच्छी जगह है तो पेशावर चले जाते हैं, तो ये इसका मतलब है कि 10 लोगों में से मैक्सिमम लोग जो हैं ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ जाना चाहिए, या फिर सारे लोग जो हैं एक जगह चले जाएं, 10 के 10 एक जगह चले जाएं, या फिर ऐसा है कि 5 लोग पेशावर आ जाएं, 5 लोग जो हैं वो सवात चले जाएं. इसका मतलब है कि अब सेलेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि आधे लोग पेशावर चले गए, आधे सवात चले गए. इसका मतलब है सवात और पेशावर दोनों उन 10 लोगों के ख्याल में मौसम के लिहाज से, ब्यूटी के लिहाज से या घूमने के लिहाज से दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि 5 लोगों ने पेशावर सेलेक्ट किया, 5 लोगों ने सवात सेलेक्ट किया. सिलेक्शन नहीं हुई ना, सिलेक्शन तो हुई, सेलेक्टिविटी नहीं हुई, क्योंकि आधे लोगों को पेशावर अच्छा लगा, आधे लोगों को सवाद अच्छा लगा. लेकिन अगर ज्यादा लोगों को एक जगह अच्छी लगती है तो दैट इज सेलेक्टिविटी. उन्होंने एक रीजन ज्यादा लोगों ने सेलेक्ट किया. इसका मतलब है कि अगर 7 लोग सवात जा रहे हैं तो इसका मतलब सवात ज्यादा अच्छी जगह होगी, या 7 लोग पेशावर आ रहे हैं तो पेशावर ज्यादा अच्छी जगह होगी. और इसी को हम एक और तरीके से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. तो अगर रिएक्शन मॉलिक्यूल में 2 डिफरेंट साइट्स पे हो, 2 डिफरेंट रीजन पे पॉसिबल हो, तो अगर रिएक्शन 2 डिफरेंट साइट्स पे या 2 डिफरेंट पोजीशंस पे पॉसिबल हो, और रिएक्शन एक साइट पे ज्यादा हो दूसरे साइट पे कम हो, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. 70% एक जगह रिएक्ट करने से एक प्रोडक्ट बना, या 30% दूसरी जगह पर रिएक्शन से दूसरा प्रोडक्ट बना. तो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुई, 70-30 या 60-40 या 80-20 या 90-10 या 95-5 या 50-50 भी पॉसिबल है. और 50-50 जब होगी तो हम कहते हैं कि यहाँ कोई सेलेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि आधे मॉलिक्यूल एक जगह पर रिएक्ट कर रहे हैं, आधे मॉलिक्यूल दूसरी जगह पर रिएक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब है दोनों जगह जो हैं, दोनों साइट्स जो हैं, वो इक्वली अवेलेबल हैं फॉर रिएक्शन.
रीचर सेलेक्टिविटी का मतलब है जब मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा साइट्स मौजूद हों रिएक्शन के लिए, लेकिन एक साइट या एक रीजन या एक पॉइंट जो है वो ज्यादा अवेलेबल हो रिएक्शन के लिए और दूसरा पॉइंट कम अवेलेबल हो रिएक्शन के लिए, उसको हम कहते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी। अब यहां पर कैसे रीजियो सेलेक्टिविटी काम करेगी, तो हमारे पास एग्जाम्पल है ब्यूटेन की। ब्यूटेन में आपको पता है 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम्स हैं। इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है एक क्लोरीन यहाँ पर किसी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। अब ये क्लोरीन इस कार्बन पे अटैच हो जाए तो ये प्रोडक्ट बनाए, देखिए फर्स्ट वाले कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच हो गया, या ये क्लोरीन सेकेंड वाले कार्बन के साथ भी तो अटैच हो सकता है ना, अगर इस साइड से स्टार्ट करें तो फिर 1 और 2, तो यही प्रोडक्ट बनेगी। 4 प्रोडक्ट नहीं है इसमें पॉसिबल, 2 प्रोडक्ट है, या तो फर्स्ट कार्बन पे अटैच हो जाए क्लोरीन या फिर सेकंड कार्बन पे अटैच हो जाए। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने से मकसद है, वो चाहे फर्स्ट कार्बन का हो या सेकंड कार्बन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो हमारे पास 1-chloro-butane बनेगा या 2-chloro-butane बनेगा और साथ में HCl बनेगा। अब ये वही सवाद और पेशावर की कहानी है कि ये आपके पास 10 लोग हैं, आधे चले गए पेशावर आधे चले गए सवाद, अब इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेगा। तो अगर हम जनरली थियोरेटिकली लॉजिक इस्तेमाल करके देखें तो आपको लगेगा कि ये जो प्रोडक्ट है 1-chloro-butane ये ज्यादा बनेगी। क्यों? बहुत सारी चीजें जो है वो केमिस्ट्री में हम देखते हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम रिएक्शन करते हैं, जब हम प्रोडक्ट देखते हैं, पॉसिबिलिटीज देखते हैं, तो बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और ये हर जगह आपको काम आएंगे जब आप रिएक्शन पढ़ेंगे या आगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये आपको काम आएंगे, तो उनको समझने की सबसे पहले जरूरत है, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट जो है दैट इज स्टीरिक हेंड्रेंस, और आपको पता भी होगा, जैसे आप टिकट लेने या कार्ड लेने जब स्टेशन पे जाते हैं तो आप देखते हैं 2 काउंटर हैं, एक काउंटर पे लंबी लाइन है, दूसरे काउंटर पे छोटी लाइन है, या 2 लोग खड़े हैं, तो आप कौन सी लाइन पे जाओगे? लंबी लाइन पे थोड़ी जाओगे क्योंकि वहां तो आपको 1 घंटा लग जाएगा, आप छोटी लाइन पे जाओगे ताकि जल्दी काम हो जाए। सेम इज द केस हियर, क्राउडिंग जहां कम हो तो वहां रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो। तो अगर इस मॉलिक्यूल को हम देखें तो उसके साथ रिएक्ट करने के लिए क्लोरीन जब आएगा तो इसको क्राउडिंग कहां ज्यादा मिलेगी, फर्स्ट कार्बन पे ज्यादा मिलेगी या सेकंड कार्बन पे क्राउडिंग ज्यादा मिलेगी? तो अगर फर्स्ट कार्बन को हम देखें तो फर्स्ट कार्बन 1 कार्बन के साथ अटैच है और 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन छोटे एटम्स है, इनकी क्राउडिंग इतनी नहीं होती, ठीक है, और ये कार्बन एक तरफ अटैच है दूसरी साइड। और अगर हम सेकंड कार्बन देखें तो इस कार्बन के साथ एक C2H5 ग्रुप अटैच है और दूसरी साइड पे मेथिल ग्रुप अटैच है और 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, तो इसका मतलब है इसके लेफ्ट और राइट पे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, क्राउडिंग ज्यादा है। तो सेकंड कार्बन पे क्राउडिंग ज्यादा है या हिंड्रेंस ज्यादा है? हिंड्रेंस आप जानते हैं ना, रुकावट ज्यादा है, रुकावट किस चीज में? रिएक्शन में। स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है सेकेंड कार्बन पे और फर्स्ट कार्बन पे स्टीरिक हिंड्रेंस या रुकावट जो है वो कम है। तो लॉजिकली अगर हम देखें, थ्योरेटिकली देखें, तो 1-chloro-butane के बनने के चांसेस ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू 2-chloro-butane। लेकिन जब हम इनकी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं एक्चुअली, तो वो कितनी है? 29-71, मतलब 29% चांसेस हैं कि आपके पास 1-chloro-butane बने और 71% चांसेस हैं कि आपके पास 2-chloro-butane बने। अब ऐसा क्यों है? तो लॉजिकली हमने देखा कि 1-chloro-butane के चांसेस बनने के ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली 29% ये बनता है और 71% जो है वो आपके पास 2-chloro-butane। अब ऐसा क्यों है? देखें, इट्स अ रेडिकल रिएक्शन, तो पहले रेडिकल बनेगा, रेडिकल किसका बनेगा? क्लोरीन रेडिकल बनेगा, क्लोरीन रेडिकल यहां से या यहां से एक हाइड्रोजन लेके HCl बनाएगा और इस अल्केन पे एक अल्काइल रेडिकल बनेगा, जैसे हम पहले देख चुके हैं ना, क्लोरीन एक H लेके HCl बनाएगा और एक अल्काइल रेडिकल बनेगा। अब इसमें 2 अल्काइल रेडिकल बनने के चांसेस हैं, एक फर्स्ट कार्बन पे अगर रेडिकल बने
तो हमारे पास वन क्लोरोब्यूटेन बनेगा, और एक अगर सेकंड कार्बन पर रेडिकल बने तो हमारे पास टू क्लोरोब्यूटेन बनेगा। अब इन दोनों में कॉम्पिटिशन है, और प्रैक्टिकल जो वैल्यूज हैं वो बता रही हैं कि ये जो है इसके बनने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ रेडिकल बनेगा तो फिर क्लोरीन यहाँ पर अटैच होगा और टू क्लोरो ब्यूटेन बनेगा, और इसके बनने के चांसेस कम है क्योंकि फिर क्लोरीन यहाँ अटैच होगा तो 29% वन क्लोरो ब्यूटेन बनेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास प्राइमरी रेडिकल बनने के और सेकेंडरी रेडिकल बनने में कॉम्पिटिशन है, कौन सा ज्यादा बनेगा और कौन सा कम बनेगा। तो अगर आप परसेंटेजेस देखें तो सेकेंडरी रेडिकल के बनने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल। तो टर्शियरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी रेडिकल उससे कम स्टेबल होता है, और प्राइमरी रेडिकल उससे भी कम स्टेबल होता है। और ये क्यों होता है, वजह क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन एनायंस, कैटायंस एज वेल एज इन रेडिकल्स। ठीक है, तो रेडिकल में भी पॉसिबल है। अब यहां प्राइमरी रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेटेबल हाइड्रोजन कितने हैं? दो हैं, ये वाले। इस सेकेंडरी रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेटेबल हाइड्रोजन कितने हैं? पांच हैं, तीन ये वाले और दो हाइड्रोजन ये वाले। सो देयर आर फाइव हाइपर कॉन्जुगेटेबल हाइड्रोजन इन द सेकेंडरी रेडिकल जो कि इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, और प्राइमरी रेडिकल में सिर्फ दो हाइपर कॉन्जुगेटेबल हाइड्रोजन हैं, तो ये कम स्टेबल है। तो जो चीज ज्यादा स्टेबल होगी उसके बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसमें तो टर्शियरी रेडिकल नहीं बन सकता, लेकिन अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें टर्शियरी रेडिकल बनने के चांसेस हैं तो जाहिर है वो भी बनेगा। दूसरी बात, अगर प्राइमरी रेडिकल बन भी जाए तो क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है। ये रेडिकल बन गया, यहां से एक हाइड्रोजन रेडिकल यहां आके CH3 बनाएगा और ये रेडिकल बन जाएगा। तो अगर हम हिंड्रेंस की बात मान भी लें कि क्लोरीन यहां पर पहले अटैक करता है और ये बनाता है, लेकिन इसमें चूंकि इंस्टेबिलिटी है ज्यादा, तो ये रीअरेंज होके एक हाइड्रोजन यहां शिफ्ट करता है और यहां पर रेडिकल प्रोड्यूस करता है। तो ये प्राइमरी रेडिकल रीअरेंज हो जाता है इनटू अ सेकेंडरी रेडिकल, एंड दिस इज वेरी मच पॉसिबल। ये कैटायंस में भी हो सकता है, एनायंस में भी हो सकता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो ये दोनों फैक्टर्स, स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेबिलिटी ऑफ द अल्काइल रेडिकल्स, ये आपने जहन में रखना है। तो 71% आपके पास सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल से प्रोडक्ट बनेगा और 29% प्राइमरी अल्काइल रेडिकल से आपके पास प्रोडक्ट बनेगी। अब ये रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ किया हुआ है, अगर हम ब्रोमीन के साथ करें तो क्या होगा? अगर आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करें तो ये जो प्रोडक्ट है 2-bromobutane, ये तकरीबन 97-98% बनेगी, और जो 1-bromobutane होगा वो 2-3% बनेगी। अब ऐसा क्यों है? ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। जो चीज ज्यादा रिएक्टिव होती है वो कम सिलेक्टिव होती है, जो चीज कम रिएक्टिव होती है वो ज्यादा सिलेक्टिव होती है। तो ब्रोमीन 2-bromobutane 98% क्यों बना रहा है? वो वही प्रोडक्ट ज्यादा बना रहा है जो क्लोरोब्यूटेन बना रहा है, जो क्लोरीन बना रहा है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में बना रहा है। क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो इसने जंप तो किया ज्यादा पर यहां पर, लेकिन यहां भी तो ज्यादा किया 29%, तो इसने ये भी बनाया ना, क्योंकि इसने सोचा ही नहीं कि ये अच्छा है या बुरा है। लेकिन ब्रोमीन ने सोचा कि सेकेंडरी रेडिकल तो ज्यादा स्टेबल है, यहीं पे रिएक्शन होना चाहिए, तो उसका सिर्फ 2% यहां गया 1 पे, 98% 2 पे गया। तो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ब्रोमीन के केस में इस तरफ 2 पोजीशन पे ज्यादा हो गई, इसको हम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और रीजियो सेलेक्टिविटी और सेलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी, जो चीज ज्यादा रिएक्टिव हो वो कम सेलेक्टिव, जो कम रिएक्टिव हो वो ज्यादा सेलेक्टिव। तो इसमें अगर ब्रोमीन के साथ आप रिएक्शन करेंगे तो 2-bromobutane 98% बनेगा और 1-bromobutane 2% बनेगा, क्योंकि ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव एंड मोर सेलेक्टिव। दिस इज इट। आई थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस